लूटो, अरे तुम भी लूटो, खाओ खूब खाओ, मुफ्त को माल है नी। क्यों साहब, पहचानियो नहीं पहचानियो? अरे पहचानियो कि नहीं पहचानियो? नहीं पहचानियो? अरे पहचानो का भी क्यों? अरे महारा में पहचान वो सर को कहीं हो जाए नी। मारे बेढब के है, बेढब के बाद। अरे लोग हों तो ढंग में भी बेढंगोपन देखवा की आदत है नी। वो एक कहावत है नी कि जैसो चश्मो पेरो वैसो दिखे, समझा? अरे इनसे तो कहू मन को कालो चश्मो उतारो, उजियारो आने तो ढोलक चाल पलटे। दीप जलाने दो, अपना रास्ता पर खुद हमने कांटा लाख बिछाया। बेमानी रस्मों का बंधन चुन चुन हमने बनाया, कलयुग का जीवन का खाती रास्ता नया बनाया। ढोलक चाल पलटे, आई बात समझ में? क्यों साहब, आई बात समझ में? अरे आप ही बताओ कि आप आपका साथी उनका साथ कहीं जा रहा हो, ने रास्ता में एक बहुत बड़ी खाई आई जाए तो इन्हें कूदोगा कहीं? कम से कम हूँ तो नहीं कूदूंगा। अरे भैया आंखा देखी के मक्खी तो नहीं निकली जाए? ऐसो लगे कि मैं पहेली में बात कर रही हूँ। चलो सीधी सच्ची बात पे आवा। सुमेर काका भला आदमी था। सुमेर काका ने सुमेर काकी दो ही जना है नी। अरे मारो मतलब सुमेर काकी से काकी, उन दो की इतनी ऐसी इच्छा थी कि उनका एक लड़को होए, पर वह इच्छा उनकी पूरी तो हुई, पर चार चार छोरी उनका जन्म का बाद ने चार ही छोरी उनको ब्याह करी दियो, ने वीका बाद एक घर भी बनायो। पर जब छोरा की शादी की बारी आई तो इनका पास पैसों ही नहीं बचियो थो। और एक टाइम तो वो आयो कि जब छोरा के ब्याह की बातचीत चली रही थी, बिना टाइम काकी को 6 महीना पहला देहांत हो गयो। सुमेर काका बड़ा परेशानी में, जाति बिरादरी वाला हुन्ने ने रिश्तेदार हुन्ने काकी को नुक्तो खूब डटी के खायो। मृत्यु भोज है नी, मृत्यु भोज, हाँ वो खूब डटी के खायो। अपनी चारी छोरी उनको ब्याह को कर्जो तो काका उतार ही चुकिया था, पत्नी की बीमारी ने उको मृत्यु भोज, ने बेटा को ब्याह को खर्चो काका के बर्दाश्त नहीं हुओ। काका इतना परेशान हो गया था कि आपके कहीं बताऊं, यहाँ तक कि जमीन को आधो हिस्सों काका इन्हीं चक्कर में बेची चुका था। काका हरा भरा पेड़ पौधा उनके ऐसे प्यार करता था जैसे अपन जैसे छोटा बच्चा उनके प्यार करे।
काकी के मरिया के अभी 2 साल भी नहीं हुआ था, मैं काका सुमेर सिंह काका सुमेर सिंह डॉक्टर भी नहीं समझी सकियो, ऐसी बीमारी से मरी गया। आज काका के मरिया के पूरा 5 दिन हो गया है। और अब लच्छू की सुनो, पहला तो माँ की बीमारी, फिर मरवा पे करियो मृत्यु भोज, ने फिर काका की बीमारी को खर्चो, ने बहुत सारो पुरानो कर्जो, इन सब का चक्कर में खेती को बहुत हिस्सो तो पेलाज बिकी गयो। आज लच्छू बड़ो परेशान है, काका के मरिया के 5 दिन हुआ है, ने विकी आँख की पलक से पलक नहीं झपकी है। काका को मृत्यु भोज को 2000 को खर्चो, अब मृत्यु भोज करे तो कहाँ से करे, और नहीं करे तो कहाँ जाए, आई कुओ ने आई खाई। जी कहीं समाचार लाया हो गांव का? कहीं समाचार बताओ भाई बेढब, जैसे हमारो दोस्त सुमेर सिंह को स्वर्गवास हुयो है, जैसे हमारी हालत खराब है। अरे भैया, दुखी हुआ से भी कहीं फायदो है। भैया मैं तो लच्छू का दुख से दुखी हूँ, कहीं भैया मैं तो लच्छू का दुख से दुखी हूँ, पर जरा सी बात अच्छी यह है कि लच्छू की जो बहू है नी, वह पढ़ी लिखी न समझदार है, पर नुक्ता वास्ते लच्छू खर्चा को इंतजाम कैसे करेगो? अरे खर्चो करना जरूरी है, कहीं मत करो खर्चो, कोई जबरदस्ती है? लच्छू की बहू भी योज कर रही थी ने भी पोर शिक्षा वाला मार साहब है नी उदय सिंह जी, वी भी योज बताई रहा था कि खेत बेची के ने आखा गांव के खिलाने पिलाने की बात तो एकदम झूठी है। हाँ ठीक कह रहा था भी। ठीक तो है, पर आखा गांव को मुंडो कौन बंद करेगो? अरे यार सुसरी बिरादरी, पेट भरवा वास्ते कहीं बोले है कहीं? आज सवेरे सवेरे चाचा जी को प्यार उमड़ियो, जो भतीजा के बुलायो। देखो लच्छू, इस तरह उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जितना दुख तुम्हें है उतना दुख मुझे भी है, आखिर तुम्हारा बाप मेरा बड़ा भाई ही नहीं मित्र भी था। अरे चचेरा भाई भी तो आखिर भाई ही होता है ना, अब अगर उनके बारहवें की रीत तुम नहीं कराओगे, गांव वालों को भोजन नहीं कराओगे, तो अकेले तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, लोग हमें भी ताना मारेंगे, आखिर परंपरा भी तो कोई चीज होती है। लच्छू तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कह दो। नहीं ऐसा नहीं है, पर क्या? ओ समझा, अरे वो जो मास्टर उदयवीर है ना, वो तुम्हें मना कर रहा है, वो तो मना करेगा ही, पर गांव में तुम्हें रहना है, उसे नहीं। मगर चाचा जी मेरे पास पैसे कहाँ हैं? देखो लच्छू, जब तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुआ था तब उनके बारवाहें करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने आम का पेड़ बेचा था कि नहीं? जो रीति है वो तो करनी ही पड़ती है। वह तो ठीक है, मगर इसमें अगर मगर की बात नहीं है लच्छू, तुम्हारे पास ये 2 खेत तो हैं ही, इन्हें गिरवी रख दो और पैसा उधार ले लो, जब पैसा आ जाए तो पैसा लौटा देना और अपने खेत वापस ले लेना। मगर पहले का भी तो कर्जा है। देखो लच्छू, गांव में ऐसा कौन है जो कर्जदार नहीं है, सबने कर्ज लेकर काम किया है, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो युग युग से चला आया है। इकेस तो के है चढ़िया बेटा सूली पे, एसोच करी करी के तो बिचारा गरीब होन की जमीन हड़पी लिए। कैसे? बस पहला कर्जो दो ने बाद में सूत ने ब्याज मिले के ने जमीन अपना नाम कर लो। पर लच्छू का साथ ऐसो नहीं होएगो, क्योंकि उनका भी चाचा है नी। अरे भैया ऐसा लोग उनका ना तो कोई सगा होए है ना कोई संबंधी,
इकाज वास्ते तो के है। अरे सुख में साथी सब कोई होवे, दुख में बने न को। जो दुख में भी साथ दे सच्चा, जो दुख में भी साथ दे सच्चा, मित सवाया सोई के झूठी रस्मों की हमारे जो अंदर आई है। बिचारो लच्छू करे भी तो कहीं करे। अरे राशन भाई साहब आया, कहीं संदेश तो लाया। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे हम भी तो सुना कि कहीं समाचार लाया हो। बड़ा लोगों की बात मारी समझ में नहीं आवे है। कौन सी बात? यही कि जिंदा ने तो कोई पूछे नहीं, मरे के सब रोए, दिखावो करे ने खर्चो भी करे है। अरे जब थारो सुसरो मरियो तो तू रोई थी कहीं न? मरवा को नुकतो करियो तो थने बीत रस्म तो पैसा वाला की होए है। गरीब अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए उनकी नकल करे है। अरे रोब दाद भी तो कोई चीज है। खाली जेब से हेकड़ी नहीं होए है, उधार लेनो पड़े, जमीन जायदाद से हाथ धोनो पड़े। या कैसी रीत रस्म नो, यो कैसी हेकड़ी। लच्छू का हाल देखो, तुम्हारी बात समझ में आए। कहीं करियो है लच्छू ने? अरे मृत्यु भोज नहीं करेगो तो कहीं करी लेगा गाँव वाला। यही तो रोनो है, वो शैतान प्रताप सिंह है नी, वो सब गांव वालन के ने सब जात बिरादरी वालन के भड़काई रियो है। वो शैतान कही रियो थो कि लच्छू बार वो नहीं करे तो उसको हुक्को पानी बंद करा देनो चाहिए। तो वो शैतान सिंह है नी? नी नी नी, वो प्रताप सिंह है नी, वो बिचारो लच्छू को बड़ो वालो खेत हड़पनो चाह रियो है। लच्छू कहीं करे इनने विके, आई भी मार न वही भी मार। उनकी घर वाली ने तो साफ साफ कह दियो कि वो कर्जा करी ने गाँव वालन के भोज नहीं कराएगी। तो लच्छू अपनी भैरा की बात क्यों नहीं माने? एक ही बात कहवे है वो। तुम्हारी सब बातें ठीक, मगर बापूजी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, और अब उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं। पिता की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए पैसे खर्चने और दिखावा करने की जरूरत नहीं। जिन गुणों से हमारे पिता प्यार करते थे, वो गुण हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी उन्हें शांति मिलेगी।
जिस खेत को बाबूजी अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे उसी को गिरवी रखें, उससे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक कहती है बहू, माँ के मरने पर आम का पेड़ बेचा तो बहुत रोए थे। जो गलती बापू ने की वो हमें भी करना जरूरी है क्या? पर गांव वालों का क्या? बहुत देखी ऐसी हमदर्दी, दुख तो जिसके सर आता है उसी को भुगतना पड़ता है। मामा मामा, वो मास्टर जी ना, वो बुला रहे हैं। अच्छा दीदी, चलूं मास्टर जी से मिलाऊं। हमारी बात याद रखना लच्छू। इतनी छोटी बात नहीं तो बड़ो झमेलो, बेचारा लच्छू की बड़ी बुरी हालत है। चलो देखा ये मास्टर जी कहीं के हैं। क्या फैसला किया है तुमने लक्ष्मण? क्या बताऊं मास्टर जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो लक्ष्मण, मैं अभी तुम्हारे चाचा जी से बात कर रहा था, मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर तुम अगर दृढ़ रहोगे तभी गांव वालों को कुछ समझाया जा सकता है। वो तो ठीक है, मगर मेरा ही मन नहीं मानता, श्राद्ध किए बिना कैसे रहा जा सकता है मास्टर जी। कैसी बातें करते हो लक्ष्मण, श्राद्ध लोकलाज का नहीं श्रद्धा का विषय है। अपने पिता के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध का प्रतीक है। वो तो मैं समझता हूं, मगर सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे मन में अपने पिता के प्रति जो भावना है वह तो समझी जा सकती है, पर बारवा करने से, कर्ज उठाकर लोगों को खिलाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी यह बात मैं तो नहीं मानता। सुनो लक्ष्मण, कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। कौन सा मास्टर जी? मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो बताइए ना मास्टर जी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो लक्ष्मण, और सभी गांव वालों को भी मालूम है कि सुमेर सिंह पेड़ों से कितना प्रेम करते थे। वो तो है, हमेशा कहा करते थे कि पेड़ हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और पेड़ उगाना सबसे पुण्य का काम है। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस वर्ष उनकी स्मृति में अधिक से अधिक पेड़ उगाओ? जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी थी वह उनकी आत्मा की शांति का कारण भी तो बन सकती है। वाह मास्टर जी, आपने तो मेरी समस्या का अच्छा समाधान ढूंढा। मैं इस वर्ष जितने हो सके पेड़ लगाऊंगा, और वो आम का पेड़ जो हमने माँ के मरने पर कटवाया था उसकी जगह नया आम का पेड़ लगेगा। मैं कर्जा नहीं लूंगा और बस पेड़ लगाऊंगा, उसी में बारहवें का पुण्य है। बिल्कुल ठीक तय किया है तुमने लक्ष्मण। चलो अंत भलो सो सब भलो, इन्हीं तरह लच्छू समझी तो गयो, और इन्हीं तरह दूसरा लोग भी सब समझी जाए तो कितरो अच्छो है। और यह बात तू पहला से ज के तो आई रहो थो जागी चुक्या है मानर का।